इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आप क्या समझते हैं और ये कैसे काम करता है। नमस्ते, मेरा नाम अदित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आपको हो गई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? देखो भाई, पहले इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये होते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिंपली बी डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। समझे बात, डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी और टू कॉज विच यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कॉज केमिकल रिएक्शंस, वो क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो इनको बेटा बताओ इनको बनाते कैसे हैं। पहली बात तो ये होता है कि यहां पर एक होती है नेगेटिव, एक होती है क्या होती है, एक नेगेटिव क्या होती है पॉजिटिव प्लेट, उनको एक ही वेसल में रखते हैं। वहां पर क्या करता है इलेक्ट्रोलाइट, क्या करता ना वहां पर दो अलग अलग वोल्टिक सेल या भाई गैल्वेनिक सेल में क्या करता, दो अलग अलग वेसल में क्या करते हमारे पास, हमारे पास दो अलग अलग वेसल में दो रोड आया करती, इजंट इट। यहां बताओ क्या होता है, एक सेम वेसल में क्या होती है दो रोड, ठीक है बात, बोलो भाई। और ये रोड किसी भी मेटल की हो सकती, कोई कंडीशन नहीं होती, समझे बात। ये ऐसी भी हो सकती है जो रिएक्शन में भाग लेती है और ऐसी भी जो रिएक्शन में भाग नहीं लेती, इसको वेरी गुड, इनको बोलते बेटा, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो सकते हैं रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मान लिया इस सॉल्यूशन में जो रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोड की मेटल भी भाग ले तो बोलते हैं इनको रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये इनका काम सिर्फ क्या हो, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना, तो क्या होते हैं ये नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नॉन रिएक्टिव। तो मान लीजिए ये दो मेरे पास क्या है, प्लेटिनम के मेरे पास क्या है, ये नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। और इनको बेटा मैंने जोड़ दिया, बताओ किसे, एक बैटरी से। मतलब वहां पर करंट बनता था ना, वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती थी, यहां पर आपने सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है बात। तो आप एक बैटरी जोड़ दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है बात। अरे ये क्या होता था, नेगेटिव छोटा साइड क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, जहाँ तक मुझे याद है भाई, बेटा मैं उल्टा तो लिख दिया है, बड़ा कन्फ्यूज रहता है भाई। मतलब क्या प्लेटिनम और प्लेटिनम आ गया मेरे पास, ये तो ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव प्लेट। अब फर्ज करो इसमें मैंने मोल्टन NaCl है, क्या ध्यान रखो, कोई जरूरी नहीं कि आपको भाई इसमें सोल्यूशन आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर लिया, मोल्टन नमक NaCl, ठीक है। तो यहां पर मैं एक, यहां पर मैं केमिकल रिएक्शंस इस EMF के जरिए मैं बेटा केमिकल रिएक्शंस एक्टिवेट कर सकता हूं। आप कहोगे हाउ हाउ हाउ, है ना, ये ऐसे कि जब आपने क्या लगाया, क्या लगाया पॉजिटिव, तो नेगेटिव जो आयन होंगी ना वो तो कहां भागेंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। सोडियम आयन कहां जाएंगे पता आपको, सोडियम आयन, ये मोल्टन NaCl है तो इसमें Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन है क्या, तो Na आयन भागेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि नेगेटिव प्लेट है, इट मींस इट इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। तो सोडियम आयन यहां जाके इलेक्ट्रॉन लेके, और बताओ क्या बना लेंगे, सोडियम आयन वहां जाके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल सोडियम, समझे बात, बात आपको पहले पड़ी। तो रिएक्शन होगी नहीं, बताओ सोडियम आयन से क्या बना, सोडियम, तो हमारे पास प्योर सोडियम बनने लग जाएगा, सोडियम मेटल, ठीक है बात। ऐसे भाई इसको सोडियम को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा बताओ, ये हमारे पास के अंदर Cl नेगेटिव आयन है, वो बताओ कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, सर्किट तो पूरा करना पड़ेगा, तब बताओ क्या है हमारे पास, तो Cl नेगेटिव आयन क्या करेंगे, इसके पास जाके और सॉरी क्या बना दिया मैंने ये, अरे भाई Cl नेगेटिव आयन क्या करेंगी, दो Cl नेगेटिव आयन वहां जाके क्या बनाएंगी, Cl2 क्या बनाएंगी, क्लोरीन। और तो यहां से क्या बबल निकलने लग जाएंगे Cl2 गैस के,
और यहाँ बेटा सोडियम बनने लग जाएगा, नहीं आपको बिल्कुल बेटा, अरे वैसे बनने लग जाएगा, मोल्ट था मेल्ट था ये उनकी बेटा, डिम की डेंसिटी होती अलग अलग होती है, ठीक है बात, नहीं आपको ओके। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बोलते हैं इसको, अरे इसको आपको भाई डिटेल आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है बात, क्योंकि आप एक तरह से NaCl को उसके कंपोनेंट्स एलिमेंटल कंपोनेंट में सेपरेट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, अगर आपने यहाँ बताओ क्या किया, आपने सिर्फ यहाँ पर H2O रखा, क्या रखा सिर्फ, ये मानो सिर्फ प्योर H2O ही, सिर्फ क्या प्योर, नहीं प्योर तो नहीं, थोड़े से भी क्या मिला दियो, थोड़े से भी क्या मिला दियो भाई, अरे कोई एसिड वगैरह मिला दियो ताकि क्या हो जाए हल्का फुल्का कंडक्टिंग, क्योंकि प्योर वाटर की भाई कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है बात, तो क्या हो जाएगा, अरे इसमें प्योर वाटर नहीं थोड़ा, तो इसमें क्या होगा, H+ आयन कहाँ पर आएंगी, H+ आएंगी वहाँ पर, और वहाँ क्या बनाएंगे, H2 बना के H2 यहाँ से निकलेगी, और यहाँ पर OH- कहाँ पर आएंगी, इस साइड, नहीं बेटा कोई, तो OH- क्या करेंगी साइड आके, और क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगी, तो दो OH- क्या क्या बनाएंगी, 1/2 O2 + H2O, क्या, तो यहां से क्या निकलेगी, यहां ओटू निकले, ओटू, समझ गए बात। और अगर मान लिया आपने इसमें वाटर में क्या मिला रखा है, NaCl, या आपको डिटेल आपको पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, फिलहाल आपको इसको क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं। अगर आपने पानी में क्या मिला रखा, नमक, पानी में क्या मिलाया है, नमक, तो पता क्या होगा, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा बताओ, सोडियम आयन भी, और सॉरी नेगेटिव तरफ कौन जाएगा, एच पॉजिटिव भी और एन ए पॉजिटिव भी, लेकिन आपको पता है न्यूट्रलाइज कौन सी होंगी, सोडियम आयन, कौन सी होंगी, ये क्यों होंगी, ये बाद की बात है, ये न्यूट्रलाइज नहीं, कौन सी होता है पर, सोडियम क्या न्यूट्रलाइज, और तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सोडियम, तो यहां पर तो क्या बनेगा, सोडियम बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, सोडियम बनेगा, नहीं अरे मैं बोल के बोलते ना इसको, सोडियम नहीं, सी एच पॉजिटिव है, सॉरी बेटा क्या बताइयो भाई, यहां पर सोडियम आयन भी यहां पर जाएंगे नेगेटिव तरफ, और कौन जाएंगी, एच पॉजिटिव, यहां पता न्यूट्रलाइज कौन होगा, एच पॉजिटिव कौन होगा, तो यहां से कौन निकलेगी, एच टू, सोडियम यहां पर नहीं होगा, बात आपको पहले पड़ी, और क्लोरीन नेगेटिव और OH नेगेटिव कहां भागेंगी, पॉजिटिव की तरफ, तो यहां मतलब यहां पता क्या होगा, Cl नेगेटिव क्या बनाएगा, दो Cl नेगेटिव Cl2, तो यहां पर OH नेगेटिव नहीं होगी न्यूट्रलाइज, यहां कौन होगा, तो यहां पर सोडियम आयन बचगी और OH नेगेटिव, यहां पर क्या बचता जाएगा, कास्टिक सोडा, वो इसमें बचता जाएगा, तो यहां निकलेगी H2, यहां कौन निकलेगी, Cl2, बिल्कुल नहीं बताओ आपको, ये आसान है कि मुश्किल भैया, अच्छा ये बताओ, अब इसमें भाई इसमें कैथोड और एनोड किसको बोलते हैं बताओ भैया, बताओ, तो यहां पर देखो भाई, यहां पर इस नेगेटिव पे क्या होगा बताओ, पहले तो पॉजिटिव पे कौन होगा, पॉजिटिव भाई, इसके अंदर पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन आएगा बताओ, यहां पर भाई पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन आएगा बताओ, यहां पर आएंगी OH नेगेटिव आएंगे, यहां पर आएंगी ना, और यहां क्या होंगी, ऑक्सीडाइज क्या होंगी, ऑक्सीडाइज होंगी, क्या बेटा, एनोड, हाँ ये क्या होगा, यानी यहां पर पॉजिटिव क्या होगा, एनोड, और यहां बताओ कि यहां पर कौन जाएंगे, बताओ मान लिया H पॉजिटिव आयन, तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन, यहां पर कैथोड हो जाएगा, नहीं आपको, तो यहां पर नेगेटिव क्या होगा, कैथोड, और पॉजिटिव क्या होगा, एनोड, उल्टा नहीं यहां पर, ये आगे आपको, ये तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।